अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की बात की है, बहुत से लोग मुझ समेत क्यूरियस हो रहे हैं कि क्या प्रैक्टिकली कुछ अपडेट्स या लेटेस्ट अपडेट्स हमें देखने को मिल रही हैं या नहीं, उसके बारे में गाइड करें। तो फाइनली सम गुड न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जिसमें से वन ऑफ दम जो ये आजकल आप मीडिया पर न्यूज़ सुन रहे हैं, बड़ी ट्रेंड में चली हुई है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बैक साइड पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाई कर ली है प्लेयर्स अकोमोडेशन के लिए, होटल के लिए। 4 अरब यानी 4 बिलियन रुपीज़ की ये जो स्टेटमेंट आपको आजकल बहुत सुनने को मिल रही है। मैं इसके अलावा भी डिटेल्स आपको दूंगा इस बिल्डिंग के हवाले से, लेकिन जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इससे बड़ी गुड न्यूज़ वो सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको सारा डिटेल से अपडेट कर देता हूँ। हमारी वीडियो ज़्यादा फोकस इस बिल्डिंग पर नहीं है, वो तो ऑब्वियसली आप सबको पता लगी होगी, बहुत से मीडिया चैनल्स ने भी कवर किया। मैं उस बिल्डिंग की डिटेल्स एंड आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये क्या मामला चल रहा था और ये किस चीज़ की बिल्डिंग थी, क्या मामला हुए, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेंडर इशू कर दिया है, पेपरा की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, कंसल्टेंट हायर करने के लिए फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना कराची। वो भी इंटरनेशनल कंसल्टेंट जिसका एक्सपीरियंस हो रेनोवेशन अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम्स में और न्यू स्टेडियम्स बनाने में, वो भी फॉर स्पीडी कम्पलीशन में, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है, 9 से 10 महीने। लेट्स होप कि ये टेंडर भी एज ऑलवेज की तरह कैंसिल ना हो और इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई लोकल ना हायर करें, इंटरनेशनली बंदा आएगा तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टेडियम्स अपग्रेड करेगा, बनाएगा। यकीनन ये गुड न्यूज़ है और इस टेंडर से आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी। मैंने खुद नोटिस की हैं, आप भी रीड करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कब तक ये काम शुरू हो सकता है तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे। और प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आगे जाने के लिए ये एक और स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि मतलब सीरियसली जो इन्होंने डिस्कस किया है, नस्पा के साथ जो मीटिंग हुई, 3D मॉडल तक तो आपको पता है कि वो अपडेट्स आ गई थी, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। उसके बाद क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, लोग डेली आके चैनल को चेक कर रहे हैं, मुझसे पूछ भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। बाकी अपग्रेडेड डिज़ाइन के लिए कराची स्टेडियम पे भी बात हुई है, पिंडी स्टेडियम के लिए भी बताया गया है एंड लाहौर का भी बताया गया कि उसके डिज़ाइन पे भी काम हुआ है। लेकिन जो ब्रीफिंग दी थी नेस्पाक वालों ने, उन्होंने सिर्फ नेशनल स्टेडियम कराची का मैंशन किया था। बाकी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए फ़िलहाल कोई अपडेट है नहीं। वैसे तो क्या ही बात होती, मुल्तान को इंक्लूड कर लेते, बेहतरीन स्टैंड्स हैं। खैर ये तो हमने ऑलवेज़ हाईलाइट किया ही है। खैर बाकी चैम्पियंस ट्रॉफी के अलावा बायलैटरल सीरीज़ है और आने वाले इवेंट्स होस्ट कर लेगा मुल्तान एंड बाकी सिटीज़ में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा, जो चैम्पियंस ट्रॉफी के स्टेडियम्स के लिए बता भी रहे थे। वो जब पीसीबी ने फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और फैसलाबाद इकबाल क्रिकेट स्टेडियम एक फाइनल भी होस्ट कर रहा है, जो वुमेंस क्रिकेट का एक टूर्नामेंट, अभी उसका शेड्यूल इशू किया है पीसीबी ने। ये सारा टूर्नामेंट फैसलाबाद में हो रहा है। फैसलाबाद के बाकी 3 ग्राउंड है क्लब लेवल के, सैयद अजमल क्रिकेट एकेडमी है, बहरानवली क्रिकेट ग्राउंड है, जवाद क्लब क्रिकेट ग्राउंड, और फाइनल फिर 11 मई को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होना है। बाकी मैचेस इन 3 ग्राउंड में हो जाएंगे और ये वुमेंस नेशनल वनडे टूर्नामेंट है जो कि 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 11 मई तक जाएगा। इस तरह से गुजरांवाला का स्टेडियम, सियालकोट का हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो नया बना है, फैसलाबाद का हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वो भी पीसीबी ने अपने अंडर किया है। सो खैर टॉपिक मैं किसी और साइड जाने नहीं दूंगा, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने को। मेन फोकस ही मैं उस बिल्डिंग पे पहले ले आता हूँ, फिर टेंडर की तरफ भी आ जाते हैं। कंसल्टेंट की जो बात की है उससे मैंने आपको कहा है कि एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कब काम स्टार्ट हो सकता है। सो ये जो बिल्डिंग है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बैक साइड पर आपको दिख रही होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मिल गई होंगी, मैं हाईलाइट करके बड़ा बड़ा बता देता हूँ। ये फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे और पीसीबी की बिल्डिंग नहीं थी। बहुत से लोग तो, मैंने एक बार कम्युनिटी टैब में पूछा भी था, जब मोहसिन नकवी चेयरमैन नहीं भी थे, मैंने बहुत पहले पूछा था कि ये बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरह कराची के लिए भी सुनने में आ तो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह लाहौर के लिए ये बाय किया है, इस तरह कराची का भी बाय करें तभी माने। तो लाहौर के लिए लोग कमेंट कर रहे थे, लाहौर के लोग, कि वो फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं वो बना रहे हैं और ये पीसीबी की बिल्डिंग नहीं है। सो ये फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, 10 से 12 मंजिला इमारत हैं और हर फ्लोर पर आपको फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, उस तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। तो बताया जा रहा है कि 15 से 16 कमरे, लेकिन वो तो फ्लैट्स हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब पीसीबी ने अब इसको बाय कर लिया है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज और अकॉर्डिंग टू आपने देख लिया है सोशल मीडिया चैनल्स पे ये रिपोर्ट चली है कि पीसीबी ने 4 अरब 4 बिलियन रुपीस की ये बिल्डिंग बाय कर ली है और यहाँ पे अब वो 7 स्टार 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा प्लेयर्स अकोमोडेशन के लिए। स्पेसिफिकली चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की बात की है, लेकिन 9 से 10 महीनों में क्या ये इस बिल्डिंग का 10 से 12 मंजिला इमारत का डिज़ाइन प्लेयर्स अकोमोडेशन, प्लेयर्स होटल के लिए तब्दील हो सकता है, उसमें तब्दील किया जा सकता है या नहीं 9 से 10 महीनों में, ये आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन रेनोवेशन वो तो अलग है, सो काफ़ी स्पीडी वर्क करना पड़ेगा। और ये जो टेंडर अभी इशू किया गया है इसमें ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा कंसल्टेंट हायर करना है जो कि इंटरनेशनल भी हो और इंटरनेशनली उसने काम किया हो और स्पीड से काम को फिनिश करे। सो ये उनका मेन फोकस है। अब देखते हैं ये कंसल्टेंट कब तक हायर होता है। सो उस डिटेल की तरफ मैं आता हूँ, बाकी की इन्फो मैं आपको बिल्डिंग के हवाले से ऐड कर दूँगा। असल में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो बिल्डर्स हैं उन्होंने बनाई थी, वो फ्लैट्स बना रहे थे यहाँ पे और ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी कर लिया गया है। सो कभी इस पर काम शुरू कर दिया जाता था, कभी रुक जाता था केसेस की वजह से, क्योंकि पीसीबी कानूनी कार्रवाई मतलब उनको बहुत सी तहफ़ुज़ात भी थे इस बिल्डिंग को लेकर। ये गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के कुछ ही फासले पर है। जब आप ऊपर के फ्लोर में जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आप 8th या 9th 10th फ्लोर पर जब पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की पिच नज़र आएगी, प्लेयर्स खेलता हुआ दिखाई देंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बिल्डिंग के जो प्रॉपर्टी मतलब बिल्डर्स थे उनके अगेंस्ट केस भी किया था। इस तरह कोई कानूनी चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पर ये बिल्डिंग ना बनाएं और इस पर काम आगे मजीद ना करें, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के पास यहाँ पर इंटरनेशनल टीमें आती हैं, ऊपर से सारा नज़र आ रहा होता है। तो ये चीज़ें मेंशन की जा रही थी। टाइम के साथ साथ इस पर फिर काम रुक जाता था, फिर काफ़ी टाइम से इस पर काम रुका हुआ था। और आपको भी पता है कि ये बिल्डिंग काफ़ी सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से इस ग्रे स्ट्रक्चर के साथ आपको अक्सर देखने को मिलती थी ड्रोन फुटेज में एंड मैचेस के दौरान, और बहुत ही पास है ये स्टेडियम के। यकीनन अब इसको अगर होटल में तब्दील कर दिया जाता है प्लेयर्स अकोमोडेशन के लिए, तो ट्रैफिक का तो सारा मसला हल हो गया। मैं उसकी डिस्कशन की तरफ जाता ही नहीं हूँ, वो तो ऑब्वियसली स्टेडियम के पास ही है, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के फासले पे ही है। प्लेयर्स और टीमें यहाँ पे आके स्टे करें और पास ही स्टेडियम आके मैचेस खेलें, तो शहर बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम भी आपका बचत हो जाएगा। टाइम तो बचत होगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ कि आप लोगों के करोड़ों में पैसे बचत हो जाएंगे। ये पीसीबी का अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो पास ही प्लेयर्स आके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बाकी होटल्स अभी तो आप देख रहे हैं कि मैचेस के लिए गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर आते हैं, यहाँ से फिर वो प्राइवेट होटल में 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, करोड़ों रुपये वहाँ देते हैं, और फिर सारे शहर को जैम मतलब कि ट्रैफिक जैम हो जाती है, लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, मुश्किलात का सामना होता है, इमरजेंसी में एम्बुलेंसें वो सारी ट्रैफिक में फंस जाती हैं, तो रोड्स ब्लॉक कर देते हैं। सो ये मेन चीज़ हल हो जाएगी। पैसे तो चले आने जाने की चीज़ है, लेकिन करोड़ों की बात होती है। एक एक मैच पे टीमों को स्टे करवाने पे करोड़ों खर्च हो रहे होते हैं। सो ये बड़ा मसला हल हो जाएगा अब। और मैं ये बता रहा था कि ये मामला चले आ रहे थे, कभी इस पे काम शुरू हो जाता था, कभी स्टॉप होता था। आखिर में पीसीबी के साथ भी मामला चले थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बाय कर ले, वैसे भी काम करने दिया जा रहा नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर केसेस वगैरह चल जाते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली इतनी बड़ी बिल्डिंग आप स्टेडियम के पास बना रहे हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी जगह पे जाके इतनी लंबी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दें, कंसर्न्स तो आएंगे फिर। तो खैर फिर ये पीसीबी और इस बिल्डिंग के जो मालिकान थे उनके दरमियान मामला तय नहीं हो पा रहे थे, सालों साल से ये डिस्कशन चली आ रही थी। अब फाइनली ये 4 बिलियन रुपीज़ का मेंशन कर रहे हैं कि बाय कर लिया है। गॉड नोज वेल का भी ये रियलिटी है भी कि नहीं, लेकिन बड़े ऑथेंटिक और बड़े मीडिया चैनल्स इवन आप नाम दे लें, हर किसी ने इसको हाईलाइट किया, रिपोर्ट दी है कि 4 बिलियन रुपीज़ की बाय कर ली है। खैर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये अच्छा स्टेप लिया, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि स्टेडियम के पास ही होगा। मैं एक्चुअली आपके साथ इस बिल्डिंग के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। सो फ़िलहाल ये फ्लैट्स टाइप की फ्लैट स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन रूफ सीलिंग वगैरह तक हो चुकी हैं, बड़े मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर सारा ऑलमोस्ट रेडी है। सो इसमें इतना काम नहीं हो सकता, जल्दी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सारी वो फैसिलिटीज़ को स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम, वो चीज़ें देखना, उन चीज़ों पे भी टाइम लगेगा। सो 9 से 10 महीने चलें आप 11 कर लें, तो इसी में पीसीबी को काफ़ी काम करना है। आप कंसल्टेंट की तरफ आ जाते हैं। ये टेंडर मैंने स्टार्ट में बड़ी न्यूज़ मेंशन भी कर दी है। सो इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करने के लिए पीसीबी ने टेंडर जारी किया है तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए, और कहा है कि 7 मई तक जो बिडर्स हैं वो अपने बिड सबमिट कर सकते हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 मई तक उसके बाद काम शुरू हो सकता है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी फिनिश हो जाएगी और अप्रैल के एंड में ही फिनिश हो रही है। सो इससे पता लगता है कि अब पीसीबी मई में जाके काम शुरू करेगा। कंसल्टेंट हायर हो जाएगा, जब कंसल्टेंट हायर हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्टेडियम पे फिर काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये टेंडर आपको पेपरा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और ये इशू किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली, ऑथेंटिक है ऑब्वियसली इससे पहले भी टेंडर्स आते रहे हैं स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए, चेयर्स के लिए, ये सारी चीज़ें, फिर वो कैंसिल हो जाती थी किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। लेकिन अब ये बड़ी सतह पे काम है और स्टेडियम्स को अपग्रेड करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बाकी आप टेंडर्स रीड भी कर सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें रीड भी कर देता हूँ। और कहा है कि PCB के हेडक्वार्टर में तमाम बिडर्स अपने बिड सबमिट करवाएं 7 मई तक। टेंडर में मैंशन किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टॉप पर लिखा हुआ है, ऑफिशियली उनका लोगो भी वहाँ पर लगा हुआ है, वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। और इन्विटेशन टू बिड हायरिंग ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम एंड नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB विद इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, फेरोजपुर रोड, लाहौर सीक्स टू हायर द सर्विसेज ऑफ अ रिप्यूटेबल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंट विद एक्सटेंसिव कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टेडियम्स एंड और रेनोवेशन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रिकेट स्टेडियम्स विद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स फॉर स्पीडी कंप्लीशन। यानी स्पीड को स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम है। मजीद मेंशन किया है द टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिडिंग डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, ये हेडक्वार्टर है PCB का। प्रपोजल्स बिड्स मस्ट रीच एट अबव मेंशन्ड एड्रेस लेटेस्ट बाय 7 मई 2024। मतलब कि वो सारी डिटेल्स जो मैंने आपके साथ बड़ी बड़ी शेयर कर दी हैं। सो प्रैक्टिकल स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता में देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, ये गुड न्यूज़ है। मैंने सोचा आपके साथ सारी ये चीज़ें भी कवर कर देते हैं, एक पूरी वीडियो बना देते हैं। बाकी की मज़ीद अपडेट्स आएंगे तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आके फॉलो कर लें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सारे स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी हों, रेडी भी हों और अच्छे रेडी हों, अच्छे अपग्रेड हों। और बाकी होटल्स, कराची का भी बताया कि वहाँ पे भी एक बिल्डिंग बाय करने का PCB सोच रही है। सो फ़िलहाल तो लाहौर के लिए न्यूज़ आ गई है, कराची का देख लेते हैं। पिंडी साइड से कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। पिंडी में तो फ़िलहाल सीरीज़ के लिए तैयारियाँ हो रही हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर यहाँ लाहौर भी आना है, 2 T20 यहाँ पर, 3 पिंडी में। टिकट्स आप जाके बुक कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, टाइम वगैरह सब कुछ मैं पिछली वीडियोज़ में मैंशन कर चुका हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।